इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड एक से प्रतिलेखन संख्या 9 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने व एडवांस आउटलाइन की बुकों को खरीदने के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब से कुछ ही देर में मैं आपको डिक्टेशन बोल रहा हूँ, डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी सभापति महोदय, ये शब्द मेरे नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रपिता के हैं। जो लोग आज सरकार में बैठे हैं, क्या वे अपने दिल में सोचेंगे कि यह देशद्रोह शब्द बालकों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए राष्ट्रपिता का कहा हुआ है? आज 54 वर्ष देश को स्वतंत्र हुए हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रपिता की इस बात पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना क्यों बंद नहीं किया गया और उसको दैनिक कार्यों में क्यों प्रयोग में लाया जाता है? मैं इस बात को कई बार इस सदन में कह चुका हूँ और मैंने इस विधान परिषद की नियमावली में 1 वर्ष पहले एक संशोधन भी रखा था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वह संशोधन वर्ष भर से इस सदन में प्रस्तुत नहीं हो सका। मेरी अपनी राय है कि कम से कम दैनिक कार्यों के लिए यदि सरकार अंग्रेजी भाषा पर बंधन लगा दे तो बहुत अच्छा हो, और जो यह अनुशासनहीनता है वह भी समाप्त हो जाए। पैराचेंज। सभापति महोदय, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, लड़कों के माता पिता अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और उनके शिक्षक भी उसका प्रयोग करते हैं, फिर बालकों पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? मैं उनसे सहमत हूँ कि बालकों में नकल करने की आदत होती है, जैसा वे अपने बड़ों को करते देखते हैं वैसा ही वे करते हैं। अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो उसका प्रभाव बालकों पर अवश्य पड़ेगा। आप देखेंगे कि जिस मनोवृत्ति के माता पिता और शिक्षक होते हैं उसी प्रकार के बालक भी होते हैं। हम दूसरों को तो परामर्श दे देते हैं, लेकिन स्वयं उस पर अनुपालन नहीं करते। इसके साथ ही हमको शिक्षा प्रणाली की ओर भी ध्यान देना है। शिक्षा के जिन तरीकों को आजकल अपनाया जा रहा है वे वास्तव में लाभकारी नहीं हैं। सरकार की ओर से इस प्रकार का आदेश होना चाहिए कि 14 वर्ष तक बालकों को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी और दैनिक कार्यों में भी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रस्ताव में अनेक महत्वपूर्ण बातों की ओर
ध्यान दिलाया गया है। मैं समझता हूँ कि जब माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे तो कह देंगे कि हम बहुत सी बातों पर कार्यान्वयन कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन पर कोई कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। यदि आप घर बैठे ही शॉर्ट हैंड कोर्स करना चाहते हैं, अपनी गलतियां कम करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास सुबह शाम दोनों समय चलती हैं। मेरे द्वारा तैयार की गई एडवांस आउटलाइन की बुकों को आप खरीद सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रामधारी गुप्ता फर्स्ट सेकंड खंड को लिखने में यदि आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने इनकी भी एडवांस आउटलाइनें तैयार की हैं, इनको आप खरीद सकते हैं। इनसे भी आपकी स्पीड बढ़ेगी। और यदि आप रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में शॉर्ट हैंड कोर्स करना चाहते हैं, तो pcskill.in वेबसाइट से हमारे कोर्स को खरीद सकते हैं। वहाँ से भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को खरीदना है, कैसे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।